हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं रुबीना आप सबका अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज मैं दही बड़े बनाने जा रही हूँ, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये मैं ईद की तैयारी कर रही हूँ, ईद के लिए बना के मैं पहले से फ्रीज़ करूँगी तो, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बना के भी दिखाऊँगी, इफ्तार के टाइम भी बना लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग ज़रूर ईद में भी ट्राई करिएगा, क्योंकि ईद में भी सबके यहाँ बनते हैं दही बड़े। तो चलिए देख लेते हैं इसको कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए मैंने ये दाल ली है, धुली हुई उड़द की दाल है। एक कप से थोड़ा सा कम है ले लिया है, और इतना ही मैं ये मूंग की दाल ले लेंगे, ये भी धुली हुई है, ये भी उतने ही बराबर की क्वांटिटी में ले रही हूँ। आप चाहे मूंग की दाल कम भी कर सकते हैं, उड़द की दाल ज़्यादा डाल के भी बना सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से 2-3 पानी धुल दिया है। अब इसको पानी डाल के मैं भिगा दूँगी, 4-5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, अच्छे से फूल जाएगी ये दाल। देखिए मैं 4 घंटे कम से कम भिगोए थे, अच्छे से फूल गई। ये वाली दाल वैसे बहुत जल्दी फूल जाती है। और इसका पानी अच्छे से मैंने छान दिया है। इसमें ज़्यादा पानी डाल के अगर ग्राइंड करते हैं तो फिर वो बड़े सही नहीं बनते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा डाल के ही आप 1-2 चम्मच पानी डाल के ग्राइंड करिएगा। ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो ज़्यादा एकदम से पानी पानी जैसे हो जाता है, तो सही से होता नहीं है। इसमें सही से हो नहीं पा रहा है, मैं पानी 1 चम्मच डाल के कर रही हूँ, लेकिन फिर भी इस न्यूट्री ब्लेंडर है इसमें नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं मिक्सी जार में करूँगी। और ज़्यादा है भी तो इसलिए एक दो बार में ही मिक्सी में हो जाएगी, तो इसलिए मैं मिक्सी में देखिए एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। मैंने वही 1-1.5 चम्मच के करीब पानी डाला था, उसी में बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया है। और बहुत ज़्यादा जब गाढ़ा वो पानी जैसा हो जाएगा तो फिर हमारे वो पकौड़े बनेंगे नहीं सही से। और जो भी आखिरी वाला बचा है इसमें मैं हरी मिर्च 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ा सा बड़े हल्के से अंदर से चटपटे हो जाएंगे तो सही रहेंगे, तो इसलिए डालना सही रहता है। 1/2 चम्मच ही जीरा, साबुत जीरा डाल रही हूँ, उसको डाल के भी ग्राइंड कर लिया है। देखिए अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। बेकिंग सोडा डालने से वो बड़े अच्छे से अंदर से सॉफ्ट बनते हैं, वो थोड़े से फूलते भी हैं अच्छे से। अब इसको हम अच्छे से बीट करेंगे, आपके पास बीटर हो तो बीटर से भी कर सकते हैं और ना हाथ से चम्मच से, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ फटाफट हाथ, क्योंकि ये सब काम तो आसानी लगता है हमें, तो इसलिए हाथ से ही चम्मच से ही हो जाता है। इसको मैंने अच्छे से देखिए 5-6-7 मिनट बीट कर लिया, बहुत अच्छे से एकदम फूल गया है, ये फ्लफी हो जाना चाहिए, एकदम फूल जाना चाहिए। और इसको चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी लेंगे और इसका छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसमें डालेंगे पानी में। अगर ये तुरंत ऊपर आ जाता है तो समझिए कि अच्छा से तैयार हो गए, फ्लफी हो गए एकदम से, अब तलने के लिए तैयार है। फिर भी मैं इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी, उसके बाद फ्राई करूँगी। एक तरफ मैंने तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, ये पकौड़े वाला तेल है, पकौड़े इसी में बने थे, मैं इसी में बना रही हूँ। अब मैं 10 मिनट के बाद अब ये बड़े अपने फ्राई करेंगे, मैं चम्मच से ही डालूँगी, आप चाहें तो हाथ से भी डाल सकते हैं। चम्मच से 1 चम्मच में लेके दूसरे चम्मच से मैं ऐसे पोर कर रही हूँ, आप चाहें तो हाथ में लेके फटाफट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं ऐसे ही करती हूँ, आप चाहे हाथ से, दोनों तरह से करती हूँ, आसान रहता है, दोनों कैसे भी कर सकते हैं आप। ऐसे डालते हुए छोटे बड़े अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, मैं छोटे भी बनाती हूँ बड़े भी बनाती हूँ, क्योंकि घर में सबको छोटे पसंद है, फिर बाहर जैसे लोग आते हैं तो उनको सामने रखते हुए बड़े बड़े अच्छे लगते हैं दिखने में, तो इसलिए मैं थोड़े से बड़े भी बनाऊँगी और थोड़े से छोटे भी बनाऊँगी। तो आप अपने हिसाब से बड़े छोटे कर सकते हैं, और इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बनेंगे, अंदर से एकदम बहुत सॉफ्ट रहेंगे, दही अंदर तक चली जाएगी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। जिनको दही बड़े पसंद आते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब देखिए जो मैंने पहले डाले थे अब उसको पलट रही हूँ, बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, 4-5 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। इसको अच्छा थोड़ा डार्क कलर होने तक फ्राई करेंगे, क्योंकि दही में डालते हैं तो उसका तो कलर तो लाइट हो ही जाता है, पहले पानी में जाता है फिर दही में जाता है तो लाइट हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा डार्क कलर ही करना है। तो मैंने अभी तो मीडियम आँच कर रखी है, लेकिन अभी थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी थोड़ा सा, कि ऊपर से अच्छा से अच्छी सी कोटिंग थोड़ी डार्क हो जाए और थोड़ी एक लेयर बन जाए उस पर, तो सही रहता है। देखिए बहुत अच्छे से फ्राई हो गए और कितने अच्छे से फूल रहे हैं बड़े। इसी तरह से मैं कर लूँगी, आप लोगों को पता ही है जब मैं पकौड़े वकौड़े ज़्यादातर बनाती हूँ तो चाकू से ही करती हूँ, मुझे आसानी रहती है इससे। आप जैसे अच्छा लगता है आपको, जैसे करते हैं वैसे कर सकते हैं। देखिए कलर बहुत अच्छा सा आ गया है, अब मैं इसे निकाल लूँगी।
बिल्कुल भी जैसे ऑयली नहीं होते कि अंदर तक ऑयल भर गया ऐसा कुछ नहीं। पकौड़ों में जैसे कभी कभार हो जाता है, जैसे हीट सही नहीं रहती, अगर तेल का टेम्परेचर सही रहेगा तो बिल्कुल भी ऑयली ऑयली नहीं होते हैं। बहुत ही अच्छे से देखिए प्लेट में बिल्कुल भी ऑयल नहीं आया। तो इसी तरह से हम सारा फ्राई कर लेंगे। मैं इसे फ्रीज़ करूँगी क्योंकि ईद वाले दिन बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर धीरे धीरे, इसलिए मैं सारे काम धीरे धीरे पहले ही करके एक एक दिन पहले ही सब सारे काम करके रख लेती हूँ। मैंने कबाब भी पहले ही फ्रीज़ कर लिया है, आप लोगों को रेसिपी दी भी है, आप देख सकते हैं। वैसे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना ज़रूर। बहुत ही अच्छे कबाब बने थे, आप लोग ट्राई करिएगा ईद में। मैंने और सारे फ्राई कर रही हूँ। दूसरी तरफ ये जो मैं बनाऊँगी, इसके लिए मैं पानी ले लिया है, गुनगुना सा पानी है, तो अभी तो गर्म है, बड़े तो नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। अब इसमें डाल के डुबो देंगे बड़े थोड़ी देर के लिए। और एक तरफ हमारे और जो बड़े हैं वो तैयार हो रहे हैं, इसी तरह मैं सारे तैयार कर लूँगी। ये इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि ईद वाले दिन एक साथ सारे काम नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए पहले ही करके रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर लेती हूँ, कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं आता है। मैंने ये दही ले ली है, अब इसमें थोड़ा सा पानी डाला है क्योंकि जब गाढ़ी रहेगी दही तो फिर उसमें बड़े अच्छे से इसे सोक नहीं करेंगे, तो इसे थोड़े पतली करेंगे। इसमें मैंने आधा चम्मच के करीब नमक डाला है और 2 चम्मच चीनी डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको भी कर सकते हैं मीठा तीखा, जिसको ज़्यादा मीठा खाना है वो ज़्यादा चीनी डाल सकता है, जिसको कम खाना है वो कम मीठी, जिसको खाली नमकीन खाना है वो चीनी स्किप भी कर सकता है। देखिए अच्छे से ब्लेंड हो गया है, ये दही अच्छे से ब्लेंड हो गई है। अभी से मैं जिसमें बनाऊंगी बॉल में उसमें डाल दिया है। देखिए दही भी पतली लग रही है, लेकिन अभी जब हम बड़े डालेंगे उसको छोड़ देंगे फ्रिज में ठंडा होने के लिए, तो अच्छे से दही गाढ़ी हो जाएगी। ये बड़े देखिए तो एकदम से अच्छे से भीग चुके हैं। अब इसको हाथ से ऐसे दोनों अपने हथेली पर रखेंगे, दूसरी हथेली से दबाते हुए इसका पानी निकाल लेंगे। इस तरह से करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं बड़े, अगर एक हाथ से दबा के करते हैं तो टूटने का डर रहता है, तो इस तरह से करिएगा तो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। इसी तरह से निचोड़ के सारा पानी मैं दही में डालते जाऊंगी बड़े। देखिए मैंने सारे बड़े डाल दिए हैं दही में। अब इसमें मसाले डालूंगी थोड़े से, मैं एक लाल मिर्च पाउडर है थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ, और इसी पे भुना हुआ जीरा, भुना हुआ कुटा हुआ जीरा पाउडर भी देखिए स्प्रिंकल कर रही हूँ। इसमें भुना हुआ कुटा जीरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, टेस्ट आता है उससे, खुशबू भी आती है। तो आप अगर मिर्ची स्किप भी कर रहे हैं तो भुना कुटा जीरा ज़रूर डालिएगा। ये ग्रीन पुदीने की चटनी, इसकी रेसिपी भी मैंने डाल चुकी हूँ, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। लाल चटनी और ग्रीन चटनी मैंने दोनों डाल रखी है, तो बड़ों के लिए तो दोनों बहुत ज़रूरी होती है। देखिए ये भी है, दोनों मैं डाली हूँ एक साथ, तो आप ज़रूर लिंक दे दूँगी, चेक कर सकते हैं। ये भी डाल देंगे उस पर, क्योंकि ये दोनों के बगैर बड़े तो अधूरे ही हैं, तो इसलिए ये दोनों चटनी, तो चटनी भी बनाइएगा, आप देख सकते हैं लिंक में दे दूँगी। ये भी डाल देंगे ऊपर से। अब इसमें मैं थोड़े से काजू डाल रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, दिखने में अच्छे लगते हैं, बाकी जो खाता है उनको पसंद भी आता है। थोड़े से अनार के दाने, ये दोनों भी, दोनों आप स्किप कर सकते हैं, अगर है तो डाल सकते हैं, नहीं है कोई ज़रूरी इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है और जिनको पसंद है उनको खाना भी अच्छा लगता है। मेरे घर में सबको पसंद है तो इसलिए मैं बनाती हूँ। मैं नहीं खाती हूँ, मुझे दही में नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन सबके लिए बनाती हूँ। देखिए बाकी बड़े भी तैयार हो गए हैं, अभी ठंडे हो जाएंगे तो मैं इसको जिप लॉक में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी, फ्रीज हो जाएंगे। फिर जब बनाना होगा गुनगुने पानी में इसको 10 मिनट पहले ही डाल देंगे, उसके बाद ऐसी इसी तरह से हम बना लेंगे। देखिए ठंडे हो गए थे, मैंने निकाल के रख लिया है। चलिए मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से, अल्लाह हाफिज़।